ओके सो वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखते हैं ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन होती है और इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरल फॉर्मूले। देखिए फर्स्ट हमारे पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जनरली जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं CHO। एल्डिहाइड का जो मेन ग्रुप है उसको हम बोलते हैं CHO। इसी तरह से हमारे पास जो कीटोन होता है उसका जो मेन ग्रुप होता है वो हमारे पास है ये O कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है COOH, ये हमारे पास क्या होते हैं कि मेन ग्रुप होते हैं जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई करते हैं। बात आती है एल्डिहाइड होता क्या है। तो ये एल्डिहाइड के अंदर CHO ग्रुप है और ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये किसी से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं मान लो इसको मैं कुछ इस तरह से राइट करता हूँ कि RCHO, तो मैंने आपको आप जनरली जानते हैं कि R जो हमारे पास है वो या तो CH3 हो सकता है या तो C2H5 हो सकता है या तो फिर ये हमारे पास एक बेंजीन भी हो सकता है। ठीक है, तो इनसे क्या हो सकता है कोई भी हमारा जो R होगा वो इनसे जुड़ा हुआ है। R हमारा CH3 C2H5 या तो फिर हमारे पास है। जब हम इसकी बात करते हैं उसको हम C6H5 लिखते हैं क्योंकि इससे डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। इसी तरह से इसको मैं और अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करें हम लोग तो R C डबल बॉन्ड और OH कुछ इस तरह से मैं इसको लिखने में हम ट्राई करते हैं। तो ये भी हमारा एल्डिहाइड है, ये भी अगर CH3 लग जाता है तो भी एल्डिहाइड रहेगा, C2H5 रहेगा, C6H5 की बेंजीन रिंग लगी होगी तब भी। अलग अलग तरीके से हम एल्डिहाइड को देख सकते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस पर। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि ये तो आपने एल्डिहाइड को लिखा, इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं, इसी तरह से आप कीटोन्स को भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कीटोन को, देखिए जहां पर ये दो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको वहां पर आप कोई भी आर लगा लीजिए और कुछ इस तरह से आप इसको लिख दीजिए। ये भी हमारा क्या होगा कीटोनिक स्ट्रक्चर, कीटोन होगा। अब कीटोन के अंदर ये जो आर लगा हो आप चाहो तो इसकी जगह CH3 C2H5 कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं C2H5 CH3 या कहेंगे हम दो बेंजीन रिंग को भी साइड में अटैच कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी हम इसी तरह से लिखते हैं। देखिए आर जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, हम चाहें तो इसको इस तरह से लिखें या कहें कि इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या है हमारा रिप्रेजेंटेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का और R क्या है हमारे एक अल्काइल ग्रुप है जो इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा बेंजीन रिंग भी हमारे पास। तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को समझने से पहले हमारे पास इनकी जो फॉर्मूले हैं ये अपने को पता होना चाहिए और इनका जो लिखने का जो तरीका है वो भी आपको पहले पता होना चाहिए किस तरह से हम एल्डिहाइड को लिख सकते हैं, किस तरह से हम कीटोन को लिख सकते हैं, किस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला है जिसको हमने बोला है असाइल क्लोराइड, सॉरी असाइल हैलाइड। असाइल हैलाइड का मतलब है कि ये वाला जो ग्रुप है आपका ये हमारा असाइल ग्रुप है और ये जो एक्स लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं हैलाइड या कहें कि हैलोजन। क्या बोलते हैं इसको हम हैलोजन बोलते हैं। अब ये हैलोजन कौन कौन हो सकता है, तो जनरली हम पता है कि हैलोजन हम जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ भी आप यहाँ से एक्स ले सकते हैं, इसलिए इस पूरे फॉर्मूले को फिर हम क्या बोलते हैं असाइल मतलब ये वाला ग्रुप और हैलाइड का मतलब ये एक्स, इसको बोला जाता है असाइल हैलाइड। देन इसके बाद हमारे पास आता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास है आर और उसके साथ हम लिखते हैं सी बॉन्ड ओ और फिर हम लिखते हैं ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आर। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा जो फॉर्मूला है वो है एसिड एनहाइड्राइड। हम चाहे तो इसको और भी सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हमने सी आर लिख दिया क्योंकि हमारे पास आर है, सी के साथ 3O सी और सी और उसके बाद हम कुछ इसको इस तरह भी चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा किसका फॉर्मूला एसिड एनहाइड्राइड का ही फॉर्मूला है। आगे चलते हैं कि हमारे पास जो एल्डिहाइड है इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, आप चाहो तो इतना राइट कर लो एल्डिहाइड क्या है उसका रिप्रेजेंटेशन, कीटोन का रिप्रेजेंटेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद असल हैलाइड किसे कहा जाता है यह आपको पता होना चाहिए, एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना आप राइट कीजिए फिर मैं आपको बता रहा हूं मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, इतना जल्दी से राइट कर दो क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इनको हम प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, सर मुझे एल्डिहाइड बनाना है या मुझे कीटोन बनाना है, तो बेटा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हम सबको प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? इन्होंने कहा कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको प्रिपेयर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मेथड प्रिपरेशन। किसकी मेथड प्रिपरेशन? जिसकी हम बात करें, जैसे हमने लिखा यहाँ पर एल्डिहाइड, हम किसको फोकस कर रहे हैं? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को बनाने के लिए हमारे पास 1, 2, 3 और भी मेथड है, मैं आपको बताऊंगा। अभी आप समझते हैं पहली मेथड कौन सी, फर्स्ट मेथड में लिखा फ्रॉम असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर असाइल लेड बनाया था, कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ था, आपने लिखा हुआ था, क्या लिखा था हमने? असाइल हैलाइड, ऐसा कुछ हमने स्ट्रक्चर बनाया था। तो हमारा जो असाइल हैलाइड था उसका जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था, असाइल क्लोराइड। अब ये असाइल क्लोराइड को हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड, क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड। अब बात आती है कि आर सर क्या है, तो आर देखो बेटा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आर आप चाहो तो CH3 ले सकते हैं, आप चाहो तो C2H5 और आप चाहो तो C6H5। हम यहाँ पर जनरल ले रहे हैं C6H5, बेंजीन 3 ले ली मैंने, क्या ले ली मैंने? बेंजीन 3, और उसके साथ लगा हुआ हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ में असाइल क्लोराइड, ये लगा दिया जो कि हाँ। इस असाइल क्लोराइड की रिएक्शन में कराता हूं हाइड्रोजन की प्रेजेंस, सॉरी हाइड्रोजन और पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट के साथ, किसके साथ कराता हूं मैं? हाइड्रोजन और पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ। एक सिंपल तरीके से अगर समझे इसको तो याद रखना कि हमारा जो असाइल क्लोराइड आपने लिया है, ये एसिड क्लोराइड आपने जो लिया है, इसकी रिएक्शन जब मैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ कराता हूं तो ये क्या करता है? जल्दी दो हाइड्रोजन देने का काम करता है। तो ये जो दो हाइड्रोजन देगा इसको, तो सिंपल तरीके से क्या होगा, इसको रिड्यूस कर देगा। और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारा जो असाइल क्लोराइड था अब वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है, प्लस चाहे तो HCl लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पैलेडियम और बेरियम सल्फेट ने क्या करा, दो हाइड्रोजन देने का काम किया। किसको? इस वाले ग्रुप को। इस वाले ग्रुप को जैसे उसने दो हाइड्रोजन दिए तो ये हमारा बॉन्ड टूटता है और एक हाइड्रोजन इसको मिल जाता है और एक हाइड्रोजन हमारे Cl को मिलता है, तो HCl बन के बाहर होता है। तो ये आपने जो बनाया इसको बोला जाता है बेंजोएल्डिहाइड, क्या बोला जाता है? बेंजोएल्डिहाइड। तो हम चाहे इस रिएक्शन को कंप्लीट यहां भी कर सकते हैं कि हमने यहां पर लिया है असाइल क्लोराइड और साथ में हम इसको बोल सकते हैं एसिड क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हम पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ कराते हैं। तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन देने का काम करते हैं। कितने हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन देने का काम करते हैं और फाइनली फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? कुछ इस तरह से कंपाउंड ऑब्टेन हो जाता है और हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? HCl। ये जो बना है इसी को बोला जाता है बेंजोएल्डिहाइड, क्या बोला जाता है इसको? बेंजोएल्डिहाइड। तो हमने क्या बना लिया? एल्डिहाइड बना लिया। सेकेंड हमारे पास मेथड आती है फ्रॉम नाइट्राइल्स, जिसको हम स्टीफन रिएक्शन में पढ़ते हैं, स्टीफन रिडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये नाइट्राइल से कैसे बनाया जाता है, सिंपल समझेंगे। जैसे यहां पर हमने पैलेडियम बेरियम सल्फेट लिया और इससे दो हाइड्रोजन दिए, वैसे ही हमारा जो SnCl2 है और जो HCl, ये भी दो हाइड्रोजन देने का काम करेगा फर्स्ट स्टेप में। तो देखो मैं इस मेथड को हटाता हूं, इरेज कर देता हूं, ये आप यहां से लिख लेंगे। अब देखिए हमारे पास कौन सी रिएक्शन आती है? स्टीफन रिएक्शन आती है। अगर हम इस स्टीफन रिएक्शन की बात करें तो ये भी क्या करती है? ये हमारे बेंजीन बनाने में हेल्प करती है। या कहें कि मेथड प्रिपरेशन की ये अगली स्टेप है, अगली रिएक्शन है, जिसमें हम लेते हैं नाइट्राइल्स। नाइट्राइल का फॉर्मूला हमारे पास दे रखा RCN। ठीक है, ये जो RCN लिखा हुआ है, आप चाहो तो R और इस ये जो Cl है इसको आप क्या कर सकते हैं? CN को कुछ ऐसा समझे कि इसके बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये वाला कुछ इसके जैसा दिखता है। इसका मतलब इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप चाहो इसको से ट्रिपल बॉन्ड बना भी लीजिए। हमने इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई? तो हम यहां पर ले रहे हैं SnCl2 प्लस HCl। क्या ले रहे हैं? SnCl2 और HCl। जब SnCl2 और HCl को लिया जाता है तो ये भी जनरली क्या करते हैं? हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं? तो इन्होंने कहा कि पहली स्टेप में दो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। तो देखो इसके बीच में जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड को अगर मैं तोड़ता हूं, यहां पर समझ, एक बॉन्ड को तोड़ा तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेगा और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को मिलेगा। जब उन्हें RCN या कहीं जो नाइट्राइल्स है, इस वाले कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है,
इसमें से एक बॉन्ड को अगर मैं तोड़ता हूं तो दो हाइड्रोजन मिलेंगे, एक इस कार्बन को और एक इस नाइट्रोजन को। तो देखो क्या हुआ, एक बॉन्ड को तोड़ा मैंने यहाँ के, तो मेरे पास आर सी एच डबल बॉन्ड और क्या हो गया एन एच। एन एच क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिला, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को मिल चुका, तो आपका क्या बन गया सी एच डबल बॉन्ड एन एच। अब इसकी हम कराते हैं हाइड्रोलाइसिस, क्या कराते हैं हाइड्रोलाइसिस होगा, और जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो हाइड्रोलाइसिस के लिए जनरली क्या ले रहे हैं यहां पर, तो हम लेते हैं एस थ्री ओ प्लस। अब हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, इसको मिलना लगेगा OH, क्या मिलेंगे OH, तो इधर भी मिलेगी और इधर भी मिलेगी। तो पहले मैं सिंगल बॉन्ड तोड़ता हूं, एक बॉन्ड तोड़ा तो मेरे पास क्या हुआ सी एच और एक OH इसको मिल गया, और इसी तरह से एक OH इसको मिल गया, एक साइड क्या मिलेगा H और एक साइड क्या मिलेगा H, तो एक OH इसको मिल गया और इसको क्या मिल गया H। अभी भी इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर ये हाइड्रोलाइसिस पार्टिसिपेट करेगा और इस वाले बॉन्ड को फिर ब्रेक करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा वापस से ये हमारा R, ये CH, ये रहा CH, और इसके पास एक OH तो पहले से ही था, और एक बार और आप इसको यहाँ पर पार्टिसिपेट कराया तो क्या होगा OH बॉन्ड टूट चुका है, प्लस क्या हो गया एन एच, तो नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन तो पहले थे और एक अपन ने दे दिया, कितना होगा तीन। अब इसके अंदर क्या होगा कि एक कार्बन पर दो OH आ चुके हैं, तो बेटा यहां से O और H बनके क्या होगा बाहर, इसका मतलब यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा बाहर निकलेगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं आप देखो क्या आपको मिल रहा है आर सी एच और O, क्या मिलेगा आर सी एच ओ, इसका मतलब आप स्टीफन रिडक्शन से या स्टीफन रिएक्शन से क्या बना रहे हैं एल्डिहाइड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं एल्डिहाइड बना रहे हैं। तो पहली मेथड क्या थी मेरे पास, एसिटाइल क्लोराइड से मैं एल्डिहाइड बना सकता हूं, सेकंड मेरे पास है फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल से आप स्टीफन रिएक्शन की हेल्प से क्या करते हैं एल्डिहाइड बनाने का काम करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर समझाया है इसको आप चाहो तो एक ही लाइन में या एक टाइप इसी तरह से इसको आप लिख सकते हैं, एक लाइन की रिएक्शन है इसकी। अगर इसको हम देखें कि कैसे होती है, सबसे पहले हम लेते हैं नाइट्राइल जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूटता है और एक हाइड्रोजन इसको मिलता है, एक हाइड्रोजन इसे मिलता है कार्बन और नाइट्रोजन को, तो ये देखो मिल चुका है। इसके बाद जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो OH इस कार्बन को मिलता है और नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन को, सॉरी नाइट्रोजन जो होता है इसको एक हाइड्रोजन मिलता है, तो OH हमारा किसको मिलेगा कार्बन को और हाइड्रोजन किसको मिलेगा नाइट्रोजन को, तो एक बॉन्ड फिर तोड़ दिया मैंने, तो तोड़ने के बाद क्या हुआ CH और यहां पर क्या हो गया OH और यहां पर क्या गया AH, फिर एक और बॉन्ड बचता है इसका वापस हाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब प्रोसेस चलती रहेगी जब तक ये पूरे बॉन्ड टूटेंगे नहीं, तो यहां पर फिर क्या होगा ये बॉन्ड टूटेगा, इस CH को एक बार और OH मिलेगा, एक तो था एक और मिल गया तो दो OH होगा, इस नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन पहले से ही थे और एक हाइड्रोजन और मिल चुका है तो NH3 में कन्वर्ट हुआ, फिर इस कार्बन की बात करते हैं इसके पास दो OH आ चुके हैं तो एक OH क्या होगा सॉरी दोनों OH क्या करेंगे उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स बन के बाहर हो जाता है, जो कंपाउंड जो रिमेनिंग बचता है उसको हम बोलते हैं RCHO जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। तो यहां से हम जनरली क्या प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा एल्डिहाइड को ही प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको प्रिपेयर कर रहे हैं एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड बनाने की सेकंड मेथड, कौन सी मेथड थी सेकंड, आप चाहो तो इसको सिंपल लिखे, अगर मैं समझने वाली बात होती है उसको हम यहां से लिख सकते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आती है मेथड प्रिपरेशन जिसका अगला नाम है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो ये साइड चेन क्लोरीनेशन क्या होता है इसको भी समझते हैं, साइड चेन क्लोरीनेशन क्या होता है इसको भी समझते हैं। तो देखो क्या होता है साइड चेन क्लोरीनेशन, इन्होंने कहा कि साइड चेन क्लोरीनेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपका कोई भी कंपाउंड जिसको आप ले रहे हो उसके अंदर एक क्लोरीन लगा होगा और उसके अंदर क्लोरीनेशन देखिए मान लीजिए जैसे ये मेरे पास बेंजीन है उसके ऊपर लग गया CH3 तो इसको बोला जाता है टॉलुइन, क्या बोला जाता है टॉलुइन बोला जाता है, और जब इस टॉलुइन की रिएक्शन में Cl2 के साथ कराता हूं वाया फोटोकेमिकल या कहेंगे फ्री रेडिकल में ये जो हमने लिखा इसका मतलब क्या होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन में कराता हूं तो ये क्या होगा ये जो साइड में जो बेंजीन तो ये रही आपकी और ये जो चेन है यहां पर क्या होगा क्लोरीनेशन होगा, तो ये जो Cl है कहां पे जुड़ जाएगा हमारे इस CH3 के पास तो कितनी बार जुड़ेगा सर तो ये क्लोरीनेशन की प्रोसेस या कहेंगे जब Cl2 अटैक करेगा तो हमारे पास यहां पर CH और दो क्लोरीन जुड़ जाएंगे, क्या जुड़ जाएंगे बेटा दो क्लोरीन,
चलती रहेगी प्रोसेस, फोटोकेमिकल है, फेरोमोनिकल बनते रहेंगे और ये सीएल टू अटैक करते रहेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर दो क्लोरीन को अटैच कर देते हैं। जब ये दो क्लोरीन जुड़ जाते हैं तो फिर इसकी मैं कराता हूँ हाइड्रोलाइसिस। क्या कराता हूँ? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब सिंपल सा है कि आपको H3O+ लेना है जो क्या करेगा, पूरी तरह से इन बॉन्ड को तोड़ेगा। एक बार हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, दूसरी बार होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अगर हम बात करें पहली बार कि फर्स्ट टाइम अगर हाइड्रोलाइसिस हुआ तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जो हाइड्रोलाइसिस हुआ तो हमारे पास ये जो बेंजीन थी उसको अपनी प्लेस पर थी, CH अपनी जगह पर था, दो क्लोरीन था जिसमें से एक क्लोरीन लगा हुआ है और एक क्लोरीन टूट चुका है, तो वो OH लेगा। और जो क्लोरीन टूटा था इसको तो OH मिलेगा, इसको क्या मिलेगा? H। तो यहां से जो H2O है जो इस पर अटैक करेगा हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस में, तो हमारा जो OH था इस H2O के अंदर भी क्या था बेटा, एक OH था और एक H+ था। तो ध्यान देना, ये OH यहां पर अटैक करेगा, Cl को बाहर कर देगा, ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl। अभी ये प्रोसेस, अब एक Cl और बाकी है, देखो ये वाला बाकी, वापस हाइड्रोलाइसिस, वापस क्या होगा इसका हाइड्रोलाइसिस। तो फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा मतलब OH और H, तो क्या हो गया फिर नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में आप जब देखेंगे तो CH और यहां पर एक OH तो ऑलरेडी था और एक OH फिर मिल चुका है, और ये Cl तो बाहर, यहां का जो H होगा उसके बाद H2 बना लेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि दो OH लग चुके हैं, एक कार्बन से, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि एक कार्बन के दो OH तो रह नहीं पाएंगे सर, तो यहां से एक H और एक OH के बंध के बाहर करेगा H2O, क्या बाहर जाएगा बेटा H2O। जैसे H2O बाहर होता है तो क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाता है आपका CH, CH और O, तो क्या बन गया CH, और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया बाहर, तो ये आपने क्या बनाना है, बेंजाल्डेट बनाना है। क्या बना लिया, बेंजाल्डेट बनाना है, किससे बनाना है, तो हमने टॉलिन लिया, टॉलिन में क्या हुआ था, साइड चेन रिएक्शन देखी थी, साइड चेन मतलब यहां पर क्या हुआ था, यहां पर तो अटैक कर रहा था क्लोरीन ने, जिसके इसको बोला जाता है क्लोरीनेशन, तो जो क्लोरीनेशन हुआ और एक हुआ फिलेटिकल की तरह हुआ, और यहां पर दो Cl, फिर इसका हमने कराया हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, तो H2 अटैक करता है तो CH को मिलता है OH और Cl को मिलता है H, तो ये OH CH के साथ जुड़ती जुड़ जाएगा, फिर एक और था हमारे पास, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जैसे वाला बॉन्ड टूटा तो इसको भी OH मिल गया, तो एक कार्बन के पास दो OH हो गए, फिर H2O बन के बाहर और हमारे पास क्या बन गया CH। तो ये मैंने यहां पर लिखा, तो आप चाहो तो इसको लिखें, ये मैकेनिज्म की तरह समझ आपने थोड़ा सा पूरा, या कहें कि कंप्लीट मैकेनिज्म तो नहीं है ये, लेकिन एक सिंपल तरीके से समझने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और अगर हम इसको एक नॉर्मल वे में लिखें तो कुछ इस तरह से इसको हम लिख सकते, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर रिएक्शंस का कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं बता रहा, एक बोर्ड लेवल के हिसाब से समझ रहे हैं कि ताकि हम आंसर को लिख सकें और रिएक्शन को समझ सकें। जो इसका मैकेनिज्म है मैं कोशिश करूंगा कि अपने चैनल पर इसको अपलोड करूँ, ठीक है, लेकिन हर तरह आप इसी को लिखे और इसी को कॉपी करें, ये आपके लिए सफिशियंट है, ठीक। अभी हम रिएक्शन मोड देखते हैं, इतना कॉपी करें, ठीक है। अब हमारे पास अगली रिएक्शन आती है, देखते हैं अगली रिएक्शन, इरेज करना पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, क्या लेते हैं
या चाहे तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं CO plus HCl, और ये सारा वर्क होता है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होता है? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। किसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग? तो हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं बेंजीन की। किसके साथ कराते हैं बेंजीन की रिएक्शन? CO के साथ में और HCl के साथ में। जब CO और HCl और एनहाइड्रस की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास जनरली क्या होता है? एक एल्डिहाइड मिलता है, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको हम? बेंजीन एल्डिहाइड। तो ये सी एच ओ और यहां पर हम लिख देते हैं फिर एल्डिहाइड। क्या लिखते हैं? बेंजीन एल्डिहाइड। प्लस करके बात आती है कि क्या बन रहा है, तो यहां पर बनता है एच सी एल। क्या बनता है? एच सी एल। वही प्रोडक्ट आपका बाय प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। समझने वाली बात है कि हमारे पास जो बेटर में कोस्ट सिंथेसिस में क्या होता है, तो एक ये नेम रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जनरली एग्जाम पूछी जाती है कि क्या करती है, तो ये हमारा बेंजाल्डिहाइड या कहें कि एल्डिहाइड बनाने में हेल्प करती है। फिर बात आती है कैसे बनता है, तो इन्होंने कहा कि बेंजीन जब हमारा CO plus HCl के साथ रिएक्ट करता है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तब जाके हमारे पास क्या बनता है? बेंजाल्डिहाइड बनता है। तो इस तरह से हम स्टीफन रिडक्शन को भी याद रख सकते हैं। सेकेंड हमारे पास बेटरमैन कोस्ट सिंथेसिस, इनको हम नेम रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन जो हमने क्लोरीनेशन देखा था साइड चेन के अंदर और हाइड्रोलाइसिस कराया था, उसके बाद असाइल क्लोराइड देखा था, तो ये जनरल मेथड प्रिपरेशन में हम काउंट करेंगे। वैसे तो ये भी जनरल मेथड प्रिपरेशन में एल्डिहाइड ही बन रहा है, लेकिन इनको हम नेम रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, तो ये जरूर आप याद रखें। तो इस रिएक्शंस को भी आप लिख लीजिए, ये भी बहुत काम की एग्जाम में पूछी जाए। मैकेनिज्म की मैंने जैसे कि कहा आपसे कि मैकेनिज्म इसका अगर हम बताते तो काफी बड़ा हो जाता है, तो कोशिश करूंगा कि मैं इसका मैकेनिज्म भी बताऊं आपको। ठीक है, अभी आप इतना स्टेटमेंट लिखना है वन लाइन का जो हो जाएगा।